press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. अंबियां दा बूटा उत्ते लगे आई बुरवे रोटी खा के जाई साड़ी दाल मशहूर वे रोटी खा के जाई। ये तो जो तो बनेगी दाल उदो ही पता लगेगा कि मशहूर हुंदी है साड़ी दाल कि नहीं। नहीं 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 बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी। आप पहले भी इतनी स्वाद डिशेस बनाते आए हैं गुरकीरत, और मैं तो पहले से ही एक्साइटेड हूँ। आप कह रहे हैं कि रोटी खा के जाने को, तो मैं तो तभी से वेट कर रही हूँ कि जब आप दाल बनाएंगे तो मैं जरूर चख के जाऊंगी। और नाम ही बहुत यूनिक बताया गुरकीरत ने, तो अब व्यूअर्स को बताने की बारी आ गई है कि आज रसोई मेरे पिंडी के एपिसोड में हम सभी को कौन सी रेसिपी बनाना सिखाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नव्या बेरी और मैं रसोई मेरे पिंडी के एक नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज गुरकीरत हमें बनाना सिखाने जाने वाले हैं लहसुनी दाल तड़का। सो गुरकीरत, नाम सुनने में ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, और वैसे भी आप बहुत सी रेसिपीज़ को तड़का लगाते आए हैं, और अब बारी है दाल को तड़का लगाने की। तो अब वेट नहीं हो रहा, अब व्यूअर्स को बताते हैं कि कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हमें बनाने के लिए। लहसुनी दाल तड़का बनाने वास्ते सानू चाहिए है 2 प्याज बरीक कटे हुए, हरा लहसुन बरीक कटिया होया, हरी मिर्च बरीक कटी हुई, 250 ग्राम धोमी मूंगी की दाल, धनिया गार्निशिंग वास्ते शाही जीरा, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, देसी घी ते पानी। चलो करते हैं शुरू। दसन दी लोड़ ते नहीं, सब तो पहला कढ़ाई रखांगे आपा। हाँ, हाँ जी। अच्छा गुरकीरत, इसके अंदर आपने जो है हरा लहसुन लिया है, इसके पीछे की कोई वजह? हरे लहसुन नाल बहुत वधिया फ्लेवर आंदा है, क्योंकि वैसे तो आप इनू घट यूज करते हैं, पर जो आप इनू लहसुनी दाल का तड़का बनावांगे ते तड़के से फ्राई होएगा, बहुत वधिया फ्लेवर देगा अपनी दाल। ठीक है, देसी घी पावांगे आपा। हुण आपां 2 चमचे देसी घी दे विच पा लिया, इनू गर्म कर लेंगे आपां। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए है कि जिहड़ियां दालां सब्जियां आपां बनाउंदे आ अपने घर विच, आपां नूं देसी घी विच बनाउणियां चाहीदियां ने, क्योंकि इहदे विच नैचुरल फैट हुंदी है ते साडी बॉडी लई बहुत अच्छा हुंदा है। आपां ते कह दिंदे आ नहीं देसी घी खाणा है बहुत हैवी है, हैवी नहीं है, तुसीं हैवी ते हर चीज़ हो जाती है, रिफाइंड ऑयल भी साडे लई हैवी हो जाएगा जे असीं वर्कआउट नहीं करांगे। बिल्कुल, वैसे भी एक लिमिटेड या जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मात्रा में कोई भी चीज खाई जाए तो वो कभी नुकसान नहीं करती। अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा लेंगे तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी, देसी के गरम हो चुका है, हुण आपां इहदे विच शाही जीरा पावांगे। ठीक है, इस गल का ध्यान रखना है कि इहदे विच आपां शाही जीरा ही पाउणा है, ये थोड़ा जिहा कालेपन दे विच हुंदा है। ठीक है, ते ब्रेन वास्ते, अपने हार्ट ते लिवर वास्ते बहुत अच्छा हुंदा है, फुल ऑफ फाइबर्स होंगे ने। ये 2 वे चम्मच आप पाना ये बहुत सोहना फ्लेवर दिता है अपनी दाल नू। ये जीरा भुज चुका है, थोड़ा जे भुन्ना होंदा जदों आपां ट्रिक होंदी है तड़का भुन्न वास्ते कि हरेक चीज़ नूं थोड़ा थोड़ा भुन्या जावे, क्योंकि एंड तक ओह कुक हो जाए, ताकि उहदा कच्चापन हल्का जिहा दूर हो जाए। हुण इहदे विच आपां बरीक कट्टिया होया हरा लहसुन पा देंगे, इहनूं कई जगह ते भूकां वाला लहसुन भी कहा जांदा है। ओके, वाकई खुशबू आ रही है गुरकीरत, जो आपने बात कही थी कि इसका एक फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। जी, वो लग रहा है, इसकी खुशबू से ही पता लग रहा है। हाँ जी, जेड़ा लहसुन है हल्का जिहा भुज चुका है, थोड़ा ट्रांसलेट जिहा हो जाएगा ये, ते हुण आपां इहदे विच 2 बरीक कटे हुए प्याज पा देंगे। इहदे विच आपां जेड़ा दूसरा लहसुन हुंदा है उहदी लहसुन दीआं तुरियां भी पा सकते हैं, पर हरा लहसुन दे नाल ही लहसुनी दाल तड़का इहदा नाम रख्या गया है। ओके, ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੋਖ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ
हाँ जी हुण साडा जिहड़ा प्याज लसन जीरा है चंगी तरह तड़का भुज चुका है। ठीक है, गुलाबी रंग का हो गया है प्याज। हाँ जी, हुण आपां इहदे विच हरी मिर्च पा देनी है 2 चमचे। हुण इहनूं भी थोड़ा जिहा भुन लैणा। हरी मिर्च जदों पाउने आ उहनूं हल्का जिहा भुनना है आपां, नहीं तां आपां नूं खांसी आएगी क्योंकि जो पानी पै के दाल रिझनी है तो आप ही पक जाएगी। ये तो है, भुज चुका होया चंगी तरह सारा मसाला। हुण आपां इहदे विच सुके मसाले पा देंगे। ठीक है, नाल दी नाल ध्यान रखना कि हिलाई भी जाइए सारा कुछ। एक वड्डा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउणा। इहदे विच देगी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, कश्मीरी लाल मिर्च का ही करना है, बहुत सोहना फ्लेवर देगी यह। ठीक है, एक चमचा हल्दी का पाउणा, एक चम्मच वड्डा गर्म मसाले का पाउणा। हुण आपां इहदे विच एक वड्डा चम्मच अमचूर का पाउणा, नमक स्वाद अनुसार पा लेना। हुण इन्हां सारिआं नूं थोड़ा जिहा भुन लैणा आपां, ते हुण आपां इहदे विच हल्का जिहा पानी का छिट्टा देना। सुके मसाले पाउण तों बाद पानी का छिट्टा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है तां कि जिहड़े मसाले है वह चंगी तरह रच जाण सारे तड़के दे विच। हाँ जी, हुण आपां इहदे विच दाल पावांगे। ठीक है, दाल नूं हल्का जिहा मसाले दे विच आपां रोस्ट कर लैणा। ते हुण आपां इहदे विच पाणी पावांगे, एक गिलास पाणी दा पा देणा है आपां। हुण आपां इस दाल नूं चंगी तरह रिझा लैणा। ठीक है, आपां कोशिश करिया करिए आम घर दे विच वी जे असी कोई चीज़ बनाउने आ तां उहनूं सीटी ना लवाया करिए, उहनूं खुले विच पकाया करिए तां कि जिहड़े उहदी न्यूट्रिशन वैल्यू है वह बनी रहे। मिर्चां पुर पूरियां नाले मूंगी दी दाल करारी, चढ़न दाल होर मंगली मैं वी कड़शी बुलां ते मारी, चढ़न दाल छड़ेने दाल होर मंगली मैं भी कड़शी बुलां ते मारी। लो जी, बोली दे नाल नाल साड़ी दाल भी चंगी तरह रिझ चुकी है। क्या बात है। ते हुण आपां इहदे विच धनिया पावांगे। देख सकते हो कि ज़्यादा संघनी नहीं है दाल अपनी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनू खुले च जे पकाने आ तो यह हार्डली 5 मिंट वादू लेंदी है, 20 मिंट च दाल तैयार हो जाती है। हाँ जी, हुण आपां इनू सर्व करांगे। देख सकते हो रस मिसी दाल है, जे तुसी चाहुंदे हो तो थोड़ी तुसी पतली भी कर सकते हो। हाँ जी, हुण आपां इहदे विच थोड़ा जिहा देसी घी पावांगे। दाल देसी घी च ही खा के स्वाद आउंदा। ते लो जी, तैयार है लसनी दाल तड़का, ते खा के वेखो कि किवें दी बनी है। थैंक यू गुरकीरत। लो, वाकई गुरकीरत जो आपने चीज कही थी ना कि हरा लहसुन डालने के साथ उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, वो पहली बाइट में ही वो चीज़ पता चल रही है। मैं सीरियसली बताऊं, अच्छे से अच्छे होटल का, अच्छे से अच्छी रेस्टोरेंट की दाल इसके आगे फेल है जो हम स्पेशली बाहर खाने जाते हैं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं इसको लगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स थे, बहुत आराम से घर पे तैयार हो गई। तो आई गेस हार्डली हम लोगों को 15 मिनट लगे हैं इस दाल को प्रिपेयर करने में। अगर आपने पहले से ही कटिंग चॉपिंग करके रखी है और दाल को सोक करके रखा है तो बहुत ज़्यादा कम टाइम लेती है ये दाल। तो आप चेक करिए इस रेसिपी का रीकैप क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है ये। लहसुनी दाल तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बारीक कटे हुए प्याज, हरा लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 250 ग्राम मूंगी दाल धुली हुई, हरा धनिया, शाही जीरा, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, देसी घी और पानी। सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी डालें, फिर उसमें शाही जीरा डालकर भून लें।
अब इसमें हरा लहसुन और प्याज डालकर अच्छे से भून ले। अब हरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर, नमक और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिला लें। अब तैयार तड़के में दाल और पानी डालकर अच्छे से पका लें। अब दाल को हरे धनिए के साथ गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। साथ में गुरकीरत एक और चीज है, कई लोग ऐसे भी हैं जो लहसुन पसंद नहीं करते ज्यादा, जिनको उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता, खास लेकिन करके बच्चे। जी, लेकिन इस दाल की खासियत ये है कि इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर है वो दाल को ओवरपावर नहीं कर रहा। जी। जैसे अगर हम दूसरी लहसुन की कलियां अगर डालते हैं तो कई कबार क्या होता है कि उसका फ्लेवर जो है थोड़ा ओवरपावर कर जाता है। हाँ जी, ये जिहड़ा हरा लहसुन होंदा है कच्चा होंदा है, ये ज़्यादा पक्या नहीं होंदा ना, क्योंकि इहदियां जिहड़ियां तुरियां है वो बनियां नहीं होंदियां, ते इहदे विच बहुत कह लो तीजा चौथा हिस्सा ही होंदा है उहदा फ्लेवर, तभी बिल्कुल भी ओवरपावर नहीं कर रही। जी, अगली बार फिर हाजिर होवांगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।